अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी एक मौसम वैसे ही है। अभी दोस्तों बारिश स्टार्ट हो चुकी है और चीज़ों को आई थिंक मुर्गी बहुत ज़्यादा बेताब है बाहर आने के लिए। लेकिन पहले हम यहाँ पर बाजरा डाल लें। पाइप के अंदर मैं छुपा के रखता हूँ बाजरे को, ताकि ये मुर्गा खाना चाहिए। शापर को फाड़ देता है, डाल देता हूँ इस डब्बे के अंदर डालता हूँ, ताकि नीचे पानी में बारिश की वजह से ख़राब ना हो जाए। और भाई साइड पर हो जाए तू आगे। दोस्तों चूजे हमने छोड़ दिए हैं और बारिश थोड़ी तेज होती जा रही है यार, लेकिन 5 मिनट तक ये बाहर फिर लें, उसके बाद इनको अंदर कर देते हैं। इतनी देर में ये गीले नहीं होंगे। अभी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यार ये 9 चूजे हैं। एक चूजा कहाँ गया? साइड को मुर्गी जरा अंदर भी नहीं है, साइड भी नहीं है, इधर भी नहीं है। यार चूजे कितने गए हैं फिर? दोस्तों एक चूजा गायब है और अंदर मैंने गेज के अंदर भी चेक किया यार, गेज के अंदर भी नहीं है। अभी अंदर जाता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ कहीं मट्टी के नीचे ना हो और मुर्गी का काम चेक करें। मुर्गी मार रही है मुझे, अंदर गया हूँ तो मुर्गी मार रही है। चल भाई चल, मैंने इसे उठा के बाहर फेंका। दोस्तों मुर्गी हमारी जो है ना वो यहाँ पर बैठती है, तो मैं यहाँ पर तलाश करने की कोशिश करूंगा। अगर चूज मिल गया तो ये क्या चीज है? ये देखिए इसको बाहर फेंकता हूँ। यानी कॉर्नर में आके मुर्गी बैठती है, कॉर्नर में होगा, ज्यादा नीचे नहीं होगा। और मैंने आज ही देखा चूजा पहले होता था, अगर इधर ना हो तो फिर बाहर से तो बिल्ली ने उठा लिया होगा। फिर दोस्तों मैं अंदर काफी तलाश किया लेकिन चूजा अंदर से नहीं मिला। आई थिंक वो बाहर से बिल्ली उठा के ले गई होगी, या फिर वो नीचे से ही मिट्टी के नीचे दब गया होगा। मुर्गे काम से करो मुर्गा यार, ये फिर मार रही है मुझे। उसे मेरे साथ कोई दुश्मनी है पता नहीं, फिर आ रही थी मारने के लिए। मुर्गा तो अंदर जाके बैठ गया भाई, इसको निकालना होगा। और इसको निकाल के हम वहाँ पे बंद करते हैं। बारिश तेज होती जा रही है और ये चूजे गीले हो जाएंगे, अगर ये गीले हो गए तो इनके बीमार होने का खतरा होता है। इसका ये केज भी साफ करने वाला हुआ पड़ा, लेकिन इसको आज हम साफ नहीं करेंगे, इसको हम कल साफ करेंगे। अभी बारिश हो रही है भाई। और अभी मैं दोस्तों ऐसा करने वाला हूँ कि इस मुर्गे को निकाल देता हूँ। और मुर्गी यार मुझे फिर मार रही है, इसके लिए मैं अभी यहाँ से एक झाड़ू उठा लूंगा पड़ा हुआ। चलो तमाशा बना लिए, अंदर जाता हूँ मारने लग जाती है। चल बाहर, चल बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ जा। ओके चल शाबाश, मारेगा लड़ेगा लड़ेगा। चल चल बैठो अंदर, ये देखो इसका कहा। अंदर जा अंदर जा, चल चल। ओ हेलो भाई, बाहर आ बाहर आ बाहर आ। चलो अंदर अंदर, चलो अंदर, चलो चलो शाबाश, चलो जी। इसको हम बंद कर देते हैं और ये दोस्तों बाहर फिरता रहे, ये खुद ही अंदर जाके बैठ जाता है। और अभी दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर छत पे, वहां पे मैंने एक चूजा इनके बेड के अंदर रखा हुआ, वो फेरी वाले जो फिर होते हैं उनके पास होते हैं चूजे, वो लिया था भाई, वो बीमार हो गया। ये देखिए बारिश, ये दोस्तों इन्होंने छत के ऊपर रखा हुआ है इनकी वेटर को लेके। और अभी दिल बड़ा करके इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमारा चूजा जिंदा है कि नहीं है।
टेम्परेचर इसका 29 है। इसको खोलता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मरा पड़ा है, मरा पड़ा यार। इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये काफी देर का मरा हुआ है यार। पानी लगा हुआ है इसके नीचे, यहाँ पे पानी रखा नहीं हुआ था। आई थिंक इसको ना लूज मोशन वाला सीन हुआ इसके साथ। पोटा इसका था, खाया पिया हुआ था इसने, लेकिन सॉरी यार, मतलब मैं बचा नहीं सका, सॉरी। अच्छा दोस्तों, ये शॉपर के अंदर नीचे पड़ा हुआ था, इसके अंदर हम उठा लेते हैं इस चूल्हे को। और बाहर बारिश भी हो रही है, आवाज आ रही होगी आपको गरज बादल गरजने की। ये तो फटा हुआ था, ऐसे हमने गिरा चूल्हे को यहाँ पर। शॉपर में बंद करता हूँ और नीचे लेके चलता हूँ। बाहर दोस्तों बारिश तेज हो चुकी है और इसको हम दफना नहीं सकते। अभी मैंने इसको यहीं पे रख दिया। अच्छा तो भाई लोग, क्या हाल है तुम लोगों के? और हाँ भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे अंडों के? दिखाओ ना जरा हमें अपने अंडे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और दोस्तों हमारी एक और कबूतर ने अंडा लिया हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने भी दो अंडे दिए हैं, लेकिन ये मुझे मारेगी आई थिंक, मुझे लग रहा है। ये देखिए प्यारे से, अभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो इस वजह से अभी लेट है शूज़ को दफनाना। अच्छा दोस्तों, काफी देर बाद बारिश रुक चुकी है, अभी हम चलते हैं नीचे और देखते हैं कैसे उसे हाल है मुर्गियों की। मुर्गा तो मेरे ख्याल में अंदर चला होगा। चलो देखते हैं। बाहर से तो दोस्तों मुझे नहीं मिला, लेकिन इसी के साथ गुजारा करते हैं। दरवाजा खुला पड़ा, मुर्गा बाहर निकल गया। मुर्गा भी बाहर निकला होगा, बारिश रुकी है ना, गीला नहीं हुआ, अंदर ही चला गया। अभी पहले जो बारिश से भीग के मरे थे चूजे, उनको मैंने यहाँ पे दफनाए थे और इसको यहाँ पे दफना देते हैं।